बहराइच में जो रामगोपाल मिश्रा की निर्मम और नृशंस हत्या समुदाय विशेष के द्वारा की गई है, इसके पीछे इंडिया गठबंधन का हाथ है, कांग्रेस सपा का हाथ है, AIMIM का हाथ है। आज मैं पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था, प्रशासन ने मुझे निवेदन करके रोका, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से संबोधित एक पत्र दिया और हमने मांग किया है कि हमलावरों के साथ साथ षड्यंत्रकारियों के ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जाए। और सरकार से हमने कहा कि लगातार जो हिंदुओं की हत्या हो रही है, या तो हत्या रोक दी जाए, नहीं तो आर पार के लिए हिंदुओं को 3 मिनट का टाइम दीजिए। 3 मिनट में जितने भी पत्थरबाज देश विरोधी नारा लगाने वाले लोग हैं, हमलावर लोग हैं, इन 3 मिनट के अंदर इनके 1000 टुकड़े करके और 100 फीट अंदर जमीन के अंदर गाड़ दूंगा, चौथा मिनट नहीं मांगूंगा। और नहीं तो अगर हम संवैधानिक दायरे में हैं तो सबको संवैधानिक दायरे में रखा जाए। आज तक हिंदुस्तान में मुसलमानों के किसी भी त्यौहार पर, किसी भी जुलूस पर न तो पत्थरबाजी हुई है, न तो किसी को करंट लगाया गया, न किसी के नाखून उखाड़े गए, न तो किसी की हत्या की गई। लेकिन हजारों नहीं लाखों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं हिंदुस्तान में कि हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, हत्या हो रही, कहीं माताओं बहनों बेटियों के ऊपर हत्या हो रही है, कहीं 35 टुकड़े, कहीं 36 टुकड़े, कहीं लव जिहाद। इसलिए अब बर्दाश्त से बाहर है सरकार जो है। जब हिंदुओं को 1 बच्चे 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो इनके 40 बच्चे पैदा क्यों करने की छूट दी गई है? केवल इसीलिए कि ये देश को गुलाम कर दें। इसलिए अब पानी नाक से ऊपर हो गया है। भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करें और ईसाई मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म करें, नहीं तो आए दिन जो हमले हो रहे हैं, अब हम लोग जो है इसका प्रतिशोध लेंगे। तपस्वी छावनी के महंत परमानंद दास जी द्वारा ये बहराइच जाने का प्रयास किया जा रहा था, उनको रोका गया है। इनके द्वारा अपनी मांग पत्रों को लेकर जो बहराइच से संबंधित हैं, एक ज्ञापन दिया गया है जो कि थ्रू प्रॉपर चैनल हम ऊपर पहुँचा देंगे।